हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ न्यू फाइनेंसिंग। ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें कि पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहले आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। दे कैन बी क्रिएटेड, ट्रेडेड, मॉडिफाइड एंड सेटल। दे कैन बी कैश करेंसी, एविडेंस ऑफ एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एन एंटिटी और एन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव और डिलीवर। एग्जाम्पल, करेंसी, डेट, बॉन्ड्स, लोन, इक्विटी, शेयर, डेरिवेशन, ऑप्शंस, फ्यूचर, फॉरवर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखिए वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक तरीके से मॉनेटरी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैसे से फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी दो पार्टी के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में, जो कि बनाए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, मॉडिफाइड किए जाते हैं और सेटल किए जाते हैं। वो बेसिकली कैश करेंसी के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपकी करेंसी हो गई, डेब्ट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, लोन हो गया। जैसे लोन हो गया, आप किसी से लोन लिए, जो लोन लिया उन दो पार्टी के बीच में मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो आपका लोन कहलाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी शेयर हो गए, ये जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी होती है, उनके बीच मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो हमारा जो शेयर है वो कहलाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।